नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे, ये देखिए हम हमारे मोबाइल को हमारे कंप्यूटर में किस प्रकार से एक्सेस करें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल है और ये हमने हमारे कंप्यूटर में किस प्रकार से इसको एक्सेस कर रखा है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल में हम काम कर रहे हैं और ये हम देखिए हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम कंप्यूटर के माध्यम से काम कर रहे हैं और अभी हम मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में एक्सेस करें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल को किस प्रकार से अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप चाहें वो भी कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह जो भी आप मोबाइल के अंदर करें वो सारा आप अपने कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए दोस्तों हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है मोबाइल कंप्यूटर की, और गूगल आपको ओपन करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। ये देखिए, हमने इसको google.com हमने ओपन कर लिया। अब दोस्तों, आपको सर्च करना है वाइजर फॉर पीसी। आपको गूगल में सर्च करना है वाइजर फॉर पीसी और इसको एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर करेंगे हमारे सामने ये देखिए वाइजर डाउनलोड करके सबसे टॉप में आ जाएगा, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। हम जैसे इसके ऊपर साइट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर आ जाएगा, विंडो मैक लिनक्स क्रोम। तो हमें हमारा जो सिस्टम है, हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमें यहाँ से विंडो को सिलेक्ट करना होगा। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी और हमारे यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। हमें यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है इस सॉफ्टवेयर को, वाइजर सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड कर लेना है। हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा ये डाउनलोड के लिए एक्टिवेट होगा और ये देखिए हमारा ये वाइजर हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, ये देखिए। और हम आपको चेक करा देते हैं ये हमारा कितने MB का है। ये 47 MB का हमारा और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। वैसे हमने ऑलरेडी इसमें डाउनलोड कर रखा है, लेकिन हम फिर आपको डाउनलोड करके चेक कराते हैं। और इसके लिए दोस्तों, हमें यूनिवर्सल ADB ड्राइवर सेटअप भी हमें डाउनलोड करना होगा। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी है पहले से तो आवश्यकता नहीं है, अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको इसको चलाने के लिए यूनिवर्सल ADB ड्राइवर सेटअप भी आपको इंस्टॉल करना होगा। ये देखिए हमारा डाउनलोड हो जाता है, हमने डाउनलोड किया वाइजर विंडो टू योर एंड्रॉयड और हमने साइट लिखी है www.wiser.io। हमें साइट से ही हमें विंडो का डाउनलोड करना है। तो ये हमारा डाउनलोड हो जाता है, अभी उसके बाद में हम आपको प्रोसेस बताते हैं। ये देखिए हमारा 47 MB का है और ये भी हमारा डाउनलोड हो जाता है, थोड़ी नेट की स्पीड कम है। दोस्तों, हमारा ये डाउनलोड होने के बाद में, हमारा ये डाउनलोड चल रहा है, इसके बाद में आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। हम मोबाइल के प्ले स्टोर में आ गए, वो डाउनलोड हमारा चल रहा है और आपको यहाँ से डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के लिए एक सॉफ्टवेयर वाइजर एंड्रॉयड कंट्रोल ऑन PC।
तो आपको यहाँ पर लिखना है वाइजर वाइजर एंड्रॉयड कंट्रोल ऑन पीसी। ये देखिए हमारा टॉप में आ गया ये इसका, और हमारा ये डाउनलोड भी कंप्लीट हो चुका है, और हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। आपको ये वाइजर एंड्रॉयड कंट्रोल फॉर पीसी, ये देखिए हमारा ये सिंबल आएगा, हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आपको भी अपने मोबाइल के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब हमने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए हमें ये ओपन के लिए बोल रहे हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद में, तो हमसे ये दो सेटिंग मांगेगा। डेवलपर ऑप्शन हमें ऑन करना हमारे मोबाइल का, और यूएसबी डिबगिंग हमें ऑन करना है। ये देखिए दोस्तों, हमें ये दो चीज़ें हमें ऑन करनी है, डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है और यूएसबी डिबगिंग ऑन रखना है हमें। हमें हमारे मोबाइल की ये दो सेटिंग हमें करनी है। दो सेटिंग करने के बाद में दोस्तों हमें हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये ऐसा आइकन हमें मिल जाएगा। ये देखिए हमारा वाइजर का हमारा इंस्टॉल होने के बाद में हमारा ये इस प्रकार से आइकन मिल जाएगा, और हमें इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये मोबाइल हमारा एक्सेस कर लेगा। हम इसको यूएसबी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और ब्लूटूथ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया, हमारा यहाँ पे मोबाइल आ गया F103 Pro, हमारा जियोनी का मोबाइल है, जियोनी F103 Pro। ये देखिए दोस्तों, हम इसको यूएसबी को रिमूव करते हैं तो ये देखिए हमारे यहाँ पर आ गया नो डिवाइस फाउंड। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर ये इस प्रकार से सेटिंग बोलेगा, हमें इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में हमारा ये वाइजर में यहाँ पर हमारा मोबाइल एक्सेस कर लेगा। अब हमें व्यू करना है, तो हमें ये देखिए व्यू आ रहा है हमारे यहाँ पर, हमें व्यू पे क्लिक करना है। हमें व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये मोबाइल हमारा ये एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे हमारे ये कनेक्टिंग चलेगी इस प्रकार से, और ये हमारा मोबाइल ये देखिए हमारे सिस्टम में आ जाएगा। आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आप जो भी चीज़ चाहें वो अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको कॉल करके चेक करते हैं, हम ये मोबाइल के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ये देखिए हमने ये मोबाइल से कॉल किया, अब हमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया। अब हम कंप्यूटर के माध्यम से कॉल करते हैं, और ये हमने इसको कॉल किया और हमने इसको ये लाउड स्पीकर कर दिया। ये देखिए दोस्तों, अब आप जो भी व्हाट्सएप वगैरह जो भी आप इसमें करना चाहें आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। हमने ये व्हाट्सएप खोला और ये देखिए ये हमारे मोबाइल के अंदर आ गया, और हमने ये व्हाट्सएप पे सेंड किया और हमने इसको ये सेंड कर दिया। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप जो भी इसमें एक्सेस करना चाहें आप इसमें पूरा एक्सेस कर सकते हो, और आप मोबाइल से ऑपरेट करना चाहें मोबाइल से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये हमने खोला, ये अब हम इसको हमारे कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं। ये देखिए हम कंप्यूटर से कर रहे हैं, ये देखिए तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे मोबाइल को हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में एक्सेस करना बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।